प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से। आप जिस आस्था प्यार स्नेह के साथ वे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। एक बहुत छोटा सा वीडियो प्रोग्राम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चंद्र गुरु ग्रह की युक्ति कुंडली के किन किन भाव में रंग से राजा बनाता है, इसको आप सुनिए। जिसके कुंडली में लग्न में चंद्र गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग पूर्ण उन्नति करते हैं, जीरो से हीरो बनते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से चौथे भाव में चंद्र गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। ऐसे लोग राजनीति में सफलता पाते हैं, व्यापार में सफलता पाते हैं, रंग से राजा बन जाते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से पांचवें भाव में चंद्र गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग पूर्ण योग्य होते हैं, पूर्ण विद्वान होते हैं, कलाकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं, लेखक होते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से नौवें भाव में चंद्र गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग छोटी नौकरी करके उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। जीवन में कभी बेरोजगार नहीं रहते हैं, कभी कर्जदार नहीं होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, खुद अपने जीवन का निर्माण करते हैं, कभी जीवन में या सफल नहीं होते हैं और सोचे हुए अधिकांश काल को पूरा कर देते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से ग्रहमय भाव में चंद्र गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग धन जन से संपन्न होते हैं। ऐसे लोग स्वतंत्र विचार के होते हैं, शौकीन मिजाज के होते हैं, उदार होते हैं, दयालु होते हैं, गरीबों की सहायता करने वाले होते हैं। इनके अपने जीवन में सुंदर भोजन वस्त्र आवास वाहन के शौकीन होते हैं, इसकी पूर्ति होती है। ऐसे लोग कमाए हुए धन को समाज सेवा में, गरीबों की सहायता में खर्च करते हैं, कई उद्योग कई व्यापार के मालिक होते हैं। कभी जीवन में इनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, अपनी पहचान ये स्वयं बनाते हैं और सम्मानजनक जीवन जीते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से बारहवें भाव में चंद्र गुरु की युक्ति हो, क्या बात है, तो ऐसे लोग के चौथेपन राजा के समान व्यतीत होते हैं। ऐसे लोग छोटे से उम्र में पैरों पर खड़ा हो जाते हैं, गरीब से अमीर बनते हैं, इनके संतान भी इनके इच्छा अनुसार रहते हैं, पूर्ण योग्य होते हैं और समाज में अच्छा यश कृति करके इनका स्वर्गवास होता है। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे संपर्क करिएगा। मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर किसी मित्रगण को अपनी कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना है तो मुझसे संपर्क करिए, उसके लिए कुछ शुल्क फीस देना होगा, फीस देंगे तो मैं विवेचन कर दूँगा। मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है। इतना करते हुए वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।